हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी हर समस्या का समाधान दूसरों में क्यों ढूंढते हैं? हम यह क्यों चाहते हैं कि मेरी समस्या का हल कोई दूसरा बता दे? या हम किसी ऐसे महापुरुष की खोज में रहते हैं जो हमें हमारी जिंदगी का सही किनारा दिखा दे? खैर, अगर दूसरों से बात करने पर आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन यह जरा सोचने वाली बात है कि औरों से बात करने से पहले क्या हमने अपने भीतर मौजूद सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन से बात करने की कोशिश की है? जी हाँ, हम जिस महापुरुष की खोज में बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं, असल में एक ऐसी महाशक्ति हमारे भीतर ही स्थित है जो सर्वशक्तिमान है और एक निश्चित समय पर ही जागृत होती है। हमारा मन दो प्रकार का होता है, पहला कॉन्शियस या चेतन मन और दूसरा सबकॉन्शियस या अवचेतन मन। चेतन मन के द्वारा हम जागृत अवस्था में सोचते हैं और बाहरी दुनिया का अनुभव प्राप्त करते हैं। अवचेतन मन इन्हीं सब बातों को इकट्ठा करके सुरक्षित रख लेता है और उसे पूरा करने में जुट जाता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक रिसर्च से पता लगाया है कि चेतन मन जिस भी बात को स्वीकार करता है और उसके सही और सच होने पर भरोसा करता है, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर हकीकत में बदल देता है। अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन्स पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हम जो कुछ भी हासिल करते हैं या नहीं करते, हमारे विचारों के परिणाम से होते हैं और अवचेतन मन केवल हमारे आज के ही जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आत्मा के साथ दूसरा शरीर धारण करते समय भी हमारे साथ रहता है। यह जन्म जन्मांतर मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए यदि मनुष्य वर्तमान जीवन और अगले जीवन में आनंद चाहता है तो उसे अपने चेतन मन और अवचेतन मन को सकारात्मक सोच विचारों से परिपूर्ण करना होगा। मनुष्य अगर विश्वास करे तो उसके लिए हर चीज संभव है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। दूसरों से हम अपनी परेशानियों के बारे में बात कर एक हंसी मजाक का पात्र ही बनते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख में आपका सहारा बने और आपको सही मार्गदर्शन दें। जबकि प्रतियोगिता के इस दौर में अगर आप किसी सहारे की कामना करते हैं या अपना दुख बांटने की कोशिश करते हैं तो दूसरे आपके सामने तो दुखी होने का नाटक कर लेंगे, लेकिन पीठ पीछे कितने ही लोगों के बीच आपका मजाक बना रहे होंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। बस आप अपने अंदर इस तरह की नेगेटिव क्वेश्चंस को दोहराना बंद करें, जैसे अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। इन सभी नेगेटिव थॉट वाली बातों और क्वेश्चंस को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर हम चाहें तो हम जीवन में प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं। आपकी सभी इच्छाएं साकार हो सकती हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन में छुपी हुई शक्तियों का प्रयोग कर लें तो आप अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। अवचेतन मन में असीमित शक्तियां होती हैं और यह हमारी हर बात मानता है। उदाहरण के तौर पर, रात को सोने से पहले आप अपने मन में यह दोहराकर सोएं कि मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक आपके कहे अनुसार सुबह 5 बजे जगा देगा। हमारा अवचेतन मन हमारा उपचार भी कर सकता है। यदि आप रोज सोने से पहले अपनी सेहत के बारे में ऐसा कहकर सोएंगे कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा और ठीक रहे, तो यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा और ठीक रहेगा। हमारा चेतन मन भी हमारे आदेश अनुसार पालन करता है। आप जो भी करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने मन में तय कर लिया है कि वह काम करना ही है, तो चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तो भी आपका अवचेतन मन आपको काम की ओर लेकर जाता रहेगा। दोस्तों, विश्वास ही जीवन का नियम है। विश्वास हमारे मस्तिष्क का एक विचार है। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास रखें और उन चीजों में विश्वास ना करें जो हमें नुकसान या चोट पहुंचाती हैं। असल में हमें दृढ़ होने की जरूरत है, हमें आत्मज्ञानी होने की जरूरत है। हमें अपने अवचेतन मन से बात करनी चाहिए और उसको आदेश देना चाहिए, और इसके बाद देखिएगा आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर आपके अवचेतन मन से आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, जो हुक्म मेरे आका। तो दोस्तों, आप भी अपने अवचेतन मन को एक बार आदेश देकर ज़रूर देखेगा, आपके भी सारे काम बनते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।